ओम शांति। तो पिछले सीरीज़ में हमने देखा था कि सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशन कैसे एक बर्निंग कोल की तरह होता है जिसको हम होल्ड करके रखते हैं, ये भी हमने देखा था। इसके पश्चात हमने देखा था कि सेपरेशन के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, उसके तीन महत्वपूर्ण स्टेजेस। उन तीन स्टेजेस में हमने देखा था, पहला स्टेज जिसमें व्यक्ति क्या करता है, जिस समय सिचुएशन आती है, सास बहू के एग्जाम्पल से हमने समझा था, उस समय व्यक्ति सिचुएशन के समय एक्सपेक्टेशंस उसकी रहती है, एक्सपेक्टेशन एक मान्यता या बिलीफ पे आधारित रहता है और उस समय व्यक्ति हर्ट का इमोशन और हेल्पलेसनेस का इमोशन फील करता है, जिसमें हमने देखा था फाइट फ्लाइट और फ्रीज या प्लेइंग डेड। तो ये हर्ट वाला इमोशंस जो है हुआ और साथ ही साथ में उसे हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है, ये हुआ स्टेज वन। जैसे घटना बीत जाती है तो स्टेज टू शुरू होता है और स्टेज टू में व्यक्ति क्या करता है, स्टेज टू में व्यक्ति बैकग्राउंड ऑटो प्रोसेसिंग उसकी चालू हो जाती है, उसके थॉट्स और इमोशंस और भी इंटेंसिफाई होने लगते हैं, प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, इसलिए व्यक्ति ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करता है। तो थॉट्स और इमोशन इनकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है और इसलिए व्यक्ति कोई ना कोई डाइवर्जन मैकेनिज्म शुरू कर देता है, उस चीज़ को एड्रेस नहीं करता है, इस घटना को नोट डाउन करके स्टोरी को क्लोज नहीं करता है, स्टोरी ओपन ही है, अब तक क्लोज नहीं की गई है। फिर हमने देखा कि थर्ड स्टेज आती है और थर्ड स्टेज में व्यक्ति क्या करता है, मास्क व्यवहार में दिखने लगता है, व्यक्ति मास्किंग करने लगता है, बाहर से अच्छा अच्छा दिखाता है, अंदर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग रहती है, तो सारी चीज़ें होना चालू हो जाता है, हमने भी देखा। फिर हमने देखा फोर्थ थर्ड स्टेज के बाद एक और चीज़ हमने देखा था कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब हो जाता है व्यवहार में तो डिप्रेसिव फील करता है और एकदम कहीं ना कहीं उसका ध्यान भटक जाता है और निराश या उदास और सबको मालूम पड़ जाता है कुछ तो हुआ है। तो ये तीन प्रकार की स्टेजेस हमने देखी थी सेपरेशन की। इसके पश्चात हमने देखा था कि जो व्यक्ति सप्रेस करता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण में हमने देखा था कि अगर हमारा इरिटेटिव बिहेवियर है, मतलब कहीं ना कहीं हमने इमोशन को सप्रेस करके रखा है, ये भी हमने देखा था कि जो व्यक्ति उसको सेपरेशन अवश्य होगा जो इमेज कॉन्शियस होगा, इमेज कॉन्शियस जिसको बाबा मुरलियों में देहाभिमान कहते हैं। तो व्यक्ति जब इमेज कॉन्शियस होता है तो उसे हर्ट की फीलिंग आती है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे जज ना कर लें, तो फियर फ्रॉम बीइंग गेटिंग जज्ड, ये जजमेंटल की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ ही साथ व्यक्ति एक्सप्रेसिव नहीं होता, किसी से एक्सप्रेस नहीं करता है, निंदा का जो भाव रहता है बहुतों के सामने व्यक्ति जाके निंदा भी करता है, क्रिटिसिज्म भी करता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को सेपरेशन है कि नहीं, इमेज कॉन्शियसनेस, एक्सप्रेसिव इतना ना होना, फियर फ्रॉम बीइंग जज्ड, इमोशन को शेयर ना करना। तो ये कुछ एक हमने बातें जानी थी, लक्षण देखे थे जो व्यक्ति सेपरेशन के शिकार रहते हैं। हमने द्रौपदी के भी एग्जाम्पल से समझा था कि द्रौपदी स्वयं इमेज कॉन्शियस है कि पांच पांडवों की पत्नी द्रौपदी, पांच महारथियों की जो है माता द्रौपदी और भरी सभा में लाई जाती है, तो शी इज अगेन थिंकिंग ऑफ द इमेज, इमेज कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हर्ट की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हम सप्रेस कर रहे हैं कि सहन, कैसे मालूम पड़ेगा, ये तो हुआ, दोनों में अंतर क्या होता है। चलिए हम एक एक करके अंतर देखते हैं, टॉलरेंस वर्सेस सप्रेशन। तो पहला लक्षण ये है, सप्रेशन में स्टोरी क्लोज नहीं होगी, बार बार वही चिंतन चलते रहेगा, रोमिनेटिंग थॉट्स, बार बार वही चिंतन चलेगा, स्टोरी क्लोज नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे सहनशीलता होती है, फुल स्टॉप, सह लिया, बार बार वो संकल्प नहीं आएगा। अंतर होता है सेपरेशन और सहन करने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेपरेशन करने के बाद कैसे फील होता है, या तो हैट्रेड या तो हर्ट, आमतौर पर ऐसे नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, लेकिन सहनशीलता में त्याग की फीलिंग होगी कि मैंने कुछ कुर्बानी दी है, मैं भी चाहूँ तो बोल सकती थी लेकिन मैंने अपने आप को धैर्यता में बांध के रखा, वेट एंड वॉच वाला सीन किया, हेल्पलेस में नहीं थी, वहाँ पे हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ सकती है, यहाँ पे हेल्पलेसनेस की फीलिंग नहीं आएगी, अंदर ही अंदर ऐसे फील होगा जैसे मेरे मार्क्स जमा हो रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन में ऐसे नहीं होगा, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आएगी, हर्ट की फीलिंग आएगी। ये दोनों अंतर रहेंगे सेपरेशन में और सहनशीलता में, स्ट्राइकिंग डिफरेंस।
तीसरा अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम कुछ मेजर डिफरेंस देखेंगे कि सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस होगा, क्योंकि अंदर से इरिटेटेड हैं तो संबंधों को हम बिगाड़ेंगे किसी न किसी तरीके से। इमेज कॉन्शियस हैं लेकिन संबंधों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सहनशीलता में धैर्यवत है, संबंधों को सुचारू रूप से मैनेज कर पाएंगे। ये बारीक बारीक अंतर है सप्रेशन और सहनशीलता में, क्योंकि सप्रेशन में हम असंतुष्ट हैं इसीलिए हम कहीं ना कहीं ब्लेम गेम में आ जाते हैं। या तो हम ब्लेम सामने वाले को करेंगे, या ब्लेम हम सिचुएशंस को करेंगे, या ब्लेम स्वयं को करेंगे। सहनशीलता में असंतुष्टता व्यक्त नहीं होती है, वहाँ आत्मसंतोष और शांति होगी, यहाँ पे अशांति होगी। ये अंतर होता है सप्रेशन और सहनशीलता में। तो देखा जाए कि सच में उसके बाद क्या होता है, लव या ऐसे इस प्रकार का फीलिंग आता है कि मेरे मार्क्स जमा हो गया, स्टोरी क्लोज हुई कि नहीं हुई। अगर स्टोरी क्लोज नहीं हो रही है, अभी भी चिंतन बार बार चल रहा है, मतलब हम सप्रेस कर रहे हैं, सच्चे अर्थों में सहनशीलता नहीं है। तो ये अंतर होता है, बहुत बारीक अंतर होता है सहनशीलता और सप्रेशन। आगे हम बढ़ते हैं। अब एक विशेष मुद्दा हम ले रहे हैं यहाँ पे, और वो मुद्दा है हेल्पलेसनेस का, असहाय। हमको लगता है हम असहाय हैं। क्या हम कभी असहाय हो सकते हैं, क्या कहेंगे? छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हमारे सिर के सामने किसी ने बंदूक रख दिया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम भाग नहीं सकते हैं, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। तो क्या हम हेल्पलेस हैं, क्या कहेंगे, हेल्पलेस हैं कि नहीं हैं? यहाँ पे भी हम हेल्पलेस नहीं हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास चॉइस है। चॉइस कि मरना कैसे है, अभी भी चॉइस है कि मुझे डर डर के मरना है, कि ये सोचना है कि चलो ठीक है अब जो होगा सो होगा। स्टिल वी हैव अ चॉइस। फिजिकली लग रहा है कि हम हेल्पलेस हैं, हेल्पलेस नहीं है, हमारे पास अभी भी चॉइस है। कंडीशन ऐसी दी गई है कि आप भाग नहीं सकते, बस वो ट्रिगर दबाने की देरी है। अभी भी चॉइस है कि हम मौत को कैसे चूज करते हैं, पॉजिटिवली या घबरा कर या डर कर। दूसरा एग्जाम्पल, आजकल लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, समुद्र के अंदर नीचे डाइव करते हैं, उसी प्रकार जो है स्काई डाइविंग भी होता है, लोग आसमान से कूदते हैं। तो कल्पना कीजिए कि हम भी आसमान से कूद गए हैं और पैराशूट खुला, बड़ा ही आनंद आ रहा है, कितना सुंदर नज़ारा, वाह, बड़ा खुश हैं हम। लेकिन अचानक में रियलाइज़ ये होता है कि पैराशूट जो चल रहा था, अभी जैसे हम ऊपर से गिर रहे थे, पैराशूट पहले खुला नहीं था, पहले तो हम हवा में तैर रहे थे। अब इश्यूज़ ये हुआ कि जैसे ही हम आगे बढ़े, पैराशूट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, खुल नहीं रहा प्रॉपरली। क्या होगा? अभी जो हम आनंद ले रहे थे, आनंद किस में बदल जाएगा? भय और चिंता में। अभी कोई भी विज्ञान का साधन हमें मदद नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता, अब बस हम नीचे गिरने ही वाले हैं। आर वी हेल्पलेस? क्या हम असहाय हैं यहाँ पे कि नहीं? डू वी हैव ऑप्शन ऑफ चॉइस? चॉइस है कि नहीं है? अभी भी चॉइस है। विज्ञान का साधन काम में नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी चॉइस है। अगर उसी क्षण में अगर मैं संकल्प करता हूँ, मरता कौन है, मरता शरीर नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ और मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, भले शरीर मर जाएगा, मैं आत्मा अमर हूँ, अगर ये संकल्प आता है तो थोड़े देर पहले जो हम अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे, अभी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और मौत का आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। भावार्थ क्या है? कैसी भी सिचुएशन है, हम असहाय नहीं हैं। वी हैव ऑप्शन, वी हैव पावर टू चूज। इसलिए कभी भी लाइफ में असहाय महसूस नहीं करना है। एक प्रकार की फीलिंग है। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस में कोई हमें असहाय का अनुभव नहीं करा सकता है, बिकॉज वी ऑलवेज हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग। आगे हम देख रहे हैं, सो क्या क्या वो चॉइस हो सकती है अगर किसी व्यक्ति के सामने सिचुएशन आती है? या तो सप्रेस कर सकता है, या तो डाइवर्ट कर सकता है, या तो सेल्फ टॉक करके अपनी काउंसलिंग कर सकता है, रैशनलाइज कर सकता है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, या तो वो सहनशील बन सकता है। और एक्सेप्ट करना पहली स्टेज है सहनशीलता की, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए, तो सप्रेशन को डील करने के क्या क्या तरीके हैं वो हम देखेंगे। अगर पहले से ही हमें सप्रेशन है, तो एक सत्य जानना बहुत ज़रूरी है कि सप्रेशन कोई एक दिन में ठीक नहीं हो जाता है, ये हमारे लंबे समय का संस्कार है, तो इसमें धैर्यता चाहिए, इसमें टाइम लगता है। इसमें कुछ ऐसी कॉमेंट्रीज होती हैं जो बार बार हम सबकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं और शरीर के द्वारा, और अंदर जो इमोशंस हैं उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं,
सुमान या शुद्ध संकल्प देते हैं तब जाके धीरे धीरे ये हील होता है। एक बार में हील नहीं होता है, तो ये ना सोचे कि हमने चुटकी बजाया या कोई युक्ति हो गई, हम सेपरेशन फ्री हो गए। ये इतना अंदर होता है कि हमने कई बार देखा है, कई लोगों को कई लोगों पे हिप्नोथेरेपी जब ट्राई की जा रही थी और जब उन्हें वो सिचुएशंस विजुलाइज करने के लिए कहा गया, उनके नाक और उनके नथने फूलने लगे, इतना गुस्सा आक्रोश अंदर भरा था। हमें देखकर आश्चर्य लग रहा था कि इतना इंसान सेपरेशन को अंदर दबा के रख सकता है। तो सेपरेशन से मुक्त होने का क्या क्या तरीके हैं वो हम समझेंगे। तो पहला, उसमें समझने के पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि थॉट और इमोशंस में अंतर होता है। संकल्प या विचार करते हैं और हमें जिस प्रकार की भावनाएं जो अनुभव होती हैं, दोनों में अंतर होता है, दोनों एक नहीं है। जिस प्रकार के हमें थॉट्स करते हैं उसी प्रकार का अनुभव करते हैं। अगर मैं कहूँ उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने हमें बहुत सुख दिया है लाइफ में, जैसे ही विचार आएगा अच्छा अनुभव होगा, खुशी फील होगी। और वह व्यक्ति जिसने आपको बहुत परेशान किया है, जैसे ही चित्र आएगा उस प्रकार की नेगेटिव फीलिंग चालू हो जाएगी। तो जैसे थॉट्स वैसे फीलिंग, इस सत्य को समझना बहुत आवश्यक है, बट अक्सर लोग समझ नहीं पाते। काउंसलिंग के दरमियान जब लोगों से पूछा जाता है, मान लीजिए ऐसे बहुत से पूछा गया कि सासू जब आपका अपमान कर रही थी तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, विचार थॉट्स पूछा गया है, लेकिन वो क्या बताएगी, मुझे हर्ट हुआ, फीलिंग्स बता रही है, हर्ट विचार नहीं, हर्ट एक फीलिंग है, या मुझे दुख हुआ ये फीलिंग है, मुझे हेल्पलेसनेस फील हुआ ये फीलिंग है। तो थॉट्स और फीलिंग अलग चीज़ है, इसलिए ये अंतर लोग कई बार समझ नहीं पाते। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मनोविज्ञान में इसे कह सकते हैं ABC मॉडल। ए मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, अर्थात तो जो घटना घटी सास बहू वाली। बी मतलब बिलीफ, अर्थात मान्यता। और सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, अर्थात परिणाम, उसका परिणाम क्या हुआ। और परिणाम तीन प्रकार के होंगे, थॉट लेवल पे, इमोशन लेवल पर और बिहेवियर लेवल पर। थॉट अर्थात विचार लेवल पे, इमोशन अर्थात भावनात्मक पक्ष कैसे फील हुआ, और बिहेवियर अर्थात हमारे कर्म में कैसे दिखाई दिया, बर्ताव में कैसे दिखाई दिया। तो तीन स्टेप समझना ज़रूरी है। तो पहला होता है जो सिचुएशन, जिसे हम कहेंगे ए, अर्थात घटना जो घटी, एक्टिवेटिंग इवेंट। तो सिचुएशन के कारण आदमी को फील होता है, कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं। ए टू सी नहीं जाता है, बी टू सी का कनेक्शन है, ए टू सी का कनेक्शन नहीं है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सास बहू के एग्जाम्पल में सिचुएशन क्या है, सास जो है जोर से डांट, मतलब बोल रही है बहू को, ये हुआ हमारा ए अर्थात एक्टिवेटिंग इवेंट। तो क्या इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप उसको फीलिंग आ रही है हेल्पलेसनेस की, जो हम बता रहे थे कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम। सास के जोर से बोलने के कारण बहू को हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ रही है, सेपरेशन की फीलिंग आ रही है, जी ज़रा भी नहीं। ए का सी के साथ कनेक्शन है ही नहीं, बीच में एक चीज़ है जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, और वो है बिलीफ अर्थात हमारी मान्यता। हमारी मान्यता क्या बैठी है, जोर से नहीं बोलना चाहिए, जोर से बोलना मतलब इंसल्ट। ये हमारी एक बिलीफ है, मान्यता है, जो इलॉजिकल है। तो ये मान्यता हमें दुख या पीड़ा का अनुभव करा रही है, सास अनुभव नहीं करा रही है। क्यों? क्योंकि छोटी बहू जो है घर की थी, उसके साथ भी सास ने ऐसे ही बिहेव किया था, उसके लिए भी ए था, ए मतलब था घटना जो घटित हुई। और उसने क्या सोचा, अच्छा सासू माँ जो है जोर से बोल रही हैं, लगता आज मैंने देखा था मॉर्निंग में इनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए शायद जोर से बोल रही हैं, इनकी तबीयत खराब थी इसीलिए जोर से बोल रही हैं, या उनको कम सुनाई देता है इसलिए जोर से बोल रही हैं ना। या कर्मों की गति है, जोर से बोलेंगी तो कल अपने किसी और को डांटेंगी तो उनको सुनना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। तो उसकी मान्यता अलग है, इसलिए उसको दुख का अनुभव नहीं हुआ, या कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा एम्बेरेसिंग फील हुआ लेकिन विशेष फर्क नहीं पड़ा। तो सासू माँ वाली जो सिचुएशन है उसके कारण हमें दुख का अनुभव हो रहा है, ऐसे नहीं है। दुख के अनुभव का कारण सासू माँ या सिचुएशन नहीं है, बी अर्थात बिलीफ हमारी मान्यताएं हैं, जो बहुत ही अलग प्रकार की हैं। उस मान्यताओं पे काम करना है, सिचुएशन पे काम नहीं करना है। सिचुएशन तो ना चाहते भी आएगी, सिचुएशन एक अनुभव अनेक, तो अनुभव का आधार बी हुआ अर्थात बिलीफ या मान्यताएं हुई। हमें मान्यताओं पे काम करना होगा, क्योंकि कुछ हमारी मान्यताएं बड़ी रिजिड होती हैं, बड़ी तर्कहीन होती हैं, इसीलिए हमें दुख का अनुभव होता है। इसको जब अगर हमने समझ लिया, हम सेपरेशन से बच पाएंगे।
दूसरा महत्वपूर्ण बात है एक्सेप्टेंस। इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, सासू माँ ने कहा मुझे इमोशन फील हो रहा है, मुझे हर्ट की फीलिंग आ रही है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एक्सेप्ट करना, ना कि इग्नोर करना। और एक्सेप्टेंस के लिए फिर क्या किया जाए? अब एक्सेप्टेंस कई बार नहीं आती है, फिर भी मान लीजिए थॉट्स चल रहे हैं, स्टोरी चल रही है, स्टोरी क्लोज नहीं हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है, उसे एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। या तो हम डायरी में नोट कर ले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। कई लोग डायरी में नोट करना पसंद नहीं करते हैं, तो सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक मतलब अपने से बातें करना और अपने बिलीफ या मान्यता को क्वेश्चन करना। और अगर वो रिजिड होगी तो हम अपने आप से कई बार क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है? हो सकता है रैशनलाइज करना। कैसे? हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, शायद इसीलिए जोर से बोल रही हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गम देखा है, तो इसलिए इनकी मान्यता है, बिलीफ सिस्टम ऐसी बैठ गई है, उनको लगता है जोर से बोलने से काम हो जाता है। ऐसे है तो बहुत अच्छी, अगर वो नहीं होती तो आज मुझे इतना अच्छा पति कैसे मिलता। वो बहू जो है ऐसे भी सोच सकती है। और भी अल्टरनेटिव है, कर्मों की गति है कि आज ये ऐसा बोल रही है, थोड़ा अलग प्रकार से भी सोचा जा सकता है, नेगेटिवली भी सोचा जाता है कई बार कि आज ये बिहेव कर रही हैं, कल किसी और के साथ बिहेव करेंगी, तो इन पर तो मुझे रहम आता है, अपना ही बीपी क्यों हाई कर रही हैं। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ? हमने अपनी मान्यता को क्वेश्चन किया, ना कि सासू माँ से जाके बोला, अपनी मान्यता को क्वेश्चन किया, तो मन शांत हुआ, स्टोरी क्लोज हुई, थोड़ी हलचल जो थी शांत हो गई। तो डायरी में नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा और दीदी हमेशा डायरी में बहुत सारी बातें नोट करते थे, बड़ी दीदी, तो डायरी इम्पॉर्टेंट। डायरी अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं, सेल्फ टॉक, किस प्रकार का सेल्फ टॉक? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव थिंकिंग। हम पॉजिटिव थिंकिंग ना करें कि हाँ उनका मन शांत हो जाए, बहुत अच्छा हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन कह रहा है अच्छा हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है? तो हम बाहर से कह रहे नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा कहने से अच्छा सिर्फ मात्र हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉजिटिव थॉट्स, बी वेरी रियलिस्टिक, युक्तियुक्त थॉट्स दीजिए, लॉजिकल थॉट्स दिया जाए। कि लॉजिकल थॉट्स क्या होता है? जोर से चिल्ला रही हैं, पर जोर से चिल्लाना, जोर से अगर कुछ बोलना, क्या इसका मतलब गुस्सा ही होता है? जरूरी तो नहीं, व्यक्ति का स्वभाव भी हो सकता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी हो सकता है। तो ऐसे रैशनलाइज करना, उससे मन शांत हो सकता है और असंतुष्टता से हम बच सकते हैं, हेल्पलेसनेस की फीलिंग से बच सकते हैं। ये भी एक युक्ति हो सकती है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्लाइड में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक छोटी सी केस स्टडीज दी गई है। तीन बहनें दिखाई गई हैं, तीन छोटी कुमारियां हैं, और इनके गोदी में मान लीजिए गरम कोयले, एक कुमारी थी उसकी गोदी में गरम कोयले रख दिया गया। एक केस स्टडी बताई जा रही, सच में हुआ नहीं, एक वर्चुअल केस स्टडी है। तो वो क्या कर रही है, गरम कोयले जैसे उसकी गोदी में रखा गया है, वो कोयले को दबा के रखती है और बाहर से मास्किंग स्माइल कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी कुमारी क्या करती है, उसे गरम कोयले उसके गोदी में दिया गया और वो आइसक्रीम खा रही है, सोच रही है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी ना तो उसकी गर्मी मुझे कम फील होगी, मुझे कुछ फील नहीं होगा। डाइवर्जन, पहले में मास्किंग, दूसरे में डाइवर्जन तरीका इस्तेमाल किया जा रहा। और तीसरे में जैसे ही गरम कोयले आए, उस कुमारी ने क्या किया, डिले नहीं किया, उसको इग्नोर नहीं किया, डिले नहीं किया, क्योंकि जितना डिले करेगी उसकी गर्माहट बढ़ेगी, उसके पैर जलेंगे, तो उसने डिले नहीं किया, उसने उसको उसके बदले आइस क्यूब डाल दिए, आइस क्यूब से अपने आप वो सब गर्मी शांत हो गई, कोयलों की गर्मी जो है उसका प्रभाव कम हो गया। तो डाइवर्जन इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। डाइवर हम क्या करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि हम बाद में लिख लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे, और बाद आता नहीं है, और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चलती रहती है, और प्रोसेसिंग में थॉट्स नहीं होते, इमोशंस भी होते हैं, उसकी हीट या गर्माहट हमें अनुभव होती रहती है और हमें अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए हम बचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बचने से अच्छा रिजॉल्व करना ज़्यादा अच्छा। दूसरा एक महत्वपूर्ण चित्र दिखाया गया है, वो है दिव्य बुद्धि का। तो बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी है जिसका नाम है दिव्य बुद्धि, और जितनी हमारी पवित्रता और शुद्धता होती है, ये दिव्य बुद्धि बहुत ही शार्प और सेंसिटिव होती जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि एयरपोर्ट या ऐसे बहुत सारे शॉपिंग मॉल पे मेटल डिटेक्टर लगे रहते हैं, कुछ भी अगर हमने मेटेलिक चीज़ें ली हैं तो तुरंत डिटेक्टर जो है बता देता है कुछ ना कुछ चीज़ें हमने छिपा के रखी हैं, चाहे कॉइन्स हो या जो भी कुछ चीज़ें हैं, मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। ठीक उसी प्रकार बाबा ने हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है दिव्य बुद्धि। कुछ भी कर्म हम ऐसे करते हैं तो कॉन्शियस वाइट
होना चालू हो जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने कुछ गलत किया है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए हमने अपने बड़ों से थोड़ा झूठ अर्ध सत्य बोला, झूठ बोला, या नरोवा या कुंजरोवा वाली अवस्था होगी, ऐसे हमने बड़ों से बोला तो उसकी निशानी क्या होगी, कॉन्शियस बाइट होना चालू हो जाएगा। और जितनी हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, इसकी सेंसिटिविटी इतनी शार्प होगी कि कुछ भी हम हल्का सा भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो जैसे वो मेटल डिटेक्टर अपना सिग्नल देना चालू करता है, उसी प्रकार यहाँ पे थॉट्स चलने चालू हो जाते हैं, करेक्शन हम करते हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी के शब्द हैं कि जब भी अगर मन करेक्शन कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास दिव्य बुद्धि कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रही है। तो मेटल डिटेक्टर बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ है ना, जितनी बारीक से बारीक सुई को भी अगर सेंस कर पा रहा है तो उतना अच्छा है। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जितनी पवित्रता और शुद्धता होगी तो ये मेटल डिटेक्टर या दिव्य बुद्धि बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो कभी भी अगर स्टोरीज क्लोज नहीं हो रही है, क्यों क्लोज नहीं हो रही है? क्योंकि हमें कोई ना कोई इमोशन एक्सपीरियंस हो रहे हैं। सास और बहू के एग्जाम्पल में सास ने डांटा, जोर से बोला, तो बहू को अच्छा फील नहीं हो रहा है। अच्छा फील नहीं हो रहा है मतलब स्टोरीज चल रही हैं मन में, बहुत सारी प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये बात बताता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू फिक्स इट। तो मन का खाना या ये इस बात का प्रतीक है कि कुछ अशुद्धि आई है, उसे फिक्स करना जरूरी है। और हम क्या करते हैं, उसे फिक्स नहीं करते हैं, उस अशुद्धि उस अनक्लोज स्टोरी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, डाइवर्जन, अलग अलग मैकेनिज्म, मास्किंग, डाइवर्जन वाले तरीके इस्तेमाल करते हैं जो यथार्थ नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, व्हाट इज द ऑप्शन फॉर दैट? तो यथार्थ रीति से अगर ऐसे, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो अगर हमने कुछ किया है तो बड़ों से के सामने जाके कन्फेस कर दें, दीदी ऐसा हो गया था, मैंने ऐसे बोल दिया। भले थोड़ा भय रहेगा कि हमें हमारे बारे में शायद जज करें, दीदी पता नहीं, लेकिन हमने अपना कर्तव्य किया, जाके बड़ों के सामने कन्फेस कर लेना, आप पाएंगे मन एकदम शांत, अशुद्धि चली गई, अशुद्धि जो थी वो चली गई। दूसरा तरीका ये हुआ, हमने बाबा के सामने एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं शांत हो जाता है। बट एक्सेप्टेंस करने के बाद भी अगर शांति नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ कन्फेशन जरूरी है। तो ये तरीके होते हैं, ये गिफ्ट हमारे पास बहुत अच्छा है, दिव्य बुद्धि, जिसको हम स्टोरी क्लोजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी सेपरेशन वाली घटना हुई, अगर बार बार मन खा रहा है या संकल्प चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डिटेक्टर सिग्नल दे रहा है कि कुछ अशुद्धि आ चुकी है। उसे रैशनलाइज करो, सेल्फ टॉक करो, लिखो और स्टोरी को क्लोज किया जाए। जब तक नहीं करेंगे तब तक चलेगा। और हमारे लोग ऐसे इस प्रकार के कुछ लोग हैं, डिटेक्टर आवाज़ कर रहा है, टू टू की उसकी आवाज़ आ रही है, पूरे दिन वो आवाज़ जारी रखते हैं लेकिन स्टोरी क्लोज नहीं करते। अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो एटलीस्ट हम एक्सप्रेस करें, लेकिन देहाभिमानवश हम एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो इमेज कॉन्शियस नहीं हैं। भले अंदर जलता रहे पर हम तो मास्किंग करेंगे, हम तो किसी से शेयर नहीं करेंगे क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेक्टर की नॉइज मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार के मनोभाव पर देखिए इसमें किसका नुकसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पाएंगे कि तो दिव्य बुद्धि एक बहुत अच्छी गिफ्ट है, जैसे ही हमने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, ठीक है ना मैंने गलती किया, मैंने झूठ बोला, एक्सेप्ट, शांति, तो हम पाएंगे मन एकदम शांत हो जाएगा, स्टोरी अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है एक्सेप्टेंस। अगला चित्र में आप देखेंगे एक मछली और हिमालय पर्वत में से निकली हुई गंगा, गंगा की एक मछली की कहानी है। हमें मालूम है कि नदी कहाँ से बहती है, नदियाँ हिमालय से आती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है क्योंकि समुद्र में मिलेंगी, भाप बनेगा, वाटर साइकिल होगा, बारिश होगी और क्रिया चलती रहेगी। ये प्रकृति का विधान है जिसे हमारी भाषा में ड्रामा कहा जाता है, प्रकृति का विधान है, इसमें अच्छे बुरे की बात ही नहीं। उसी प्रकार हमारे लाइफ में कुछ घटनाएं आएंगी, ये ड्रामा में पहले से नूंद है। तो रेदर देन रेजिस्टेंस बेटर टू एक्सेप्ट इट, लेकिन हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो उस गंगा नदी में एक मछली रहती थी और उसकी एक्सपेक्टेशन जागी कि नदी जो है पर्वत से समुद्र की तरफ नहीं जानी चाहिए, समुद्र से पर्वत की तरफ जानी चाहिए, ऐसी मेरी बिलीफ है, मेरी मान्यता है। और इस मान्यता को एक्सेप्ट करके वो क्या करती है, विपरीत दिशा में तैरना चालू करती है। तो क्या होगा,
तैर पाएगी मछली? मछली विपरीत दिशा में तैरना चाहती है और आशा रखती है, यह प्रकृति तुझे समुद्र से हिमालय की तरफ चढ़ना है। ऐसा होगा अगर मछली की ऐसी मान्यता है? मछली सोच रही है कि ऐसे क्यों बना है, ड्रामा ऐसे क्यों बना है, क्यों नहीं नदी जो है पहाड़ पे चढ़ रही है। हमने मछली कोशिश भी कर रही है विपरीत दिशा में, तो बार बार एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको, कोशिश कर रही है, तो उससे क्या होगा? उसे और भी वो स्ट्रगल महसूस करेगी। एक्सेप्ट नहीं कर रही है प्रकृति के विधान को, और भी स्ट्रगल महसूस करेगी और थक जाएगी। इतने में कोई दूसरी मछली आती है, बोलती है अरे तू पॉजिटिव थिंकिंग कर, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, तू पॉजिटिव थिंकिंग कर कि नदी जो है समुद्र से पहाड़ पे चढ़ेगी, तो तेरे पॉजिटिव थिंकिंग करने से हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ऐसा होगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं चल रही है, रियलिस्टिक सिचुएशन को अब कहते हैं युक्त युक्त। ब्रह्मावा की लाइफ में हमने देखा, हमने सुना, बाबा बहुत प्रैक्टिकल थे, दादियाँ बहुत प्रैक्टिकल थी, युक्ति युक्त तरीके से जो चीज़ है प्रकृति के जो विधान है उसका एक्सेप्ट किया जाए, ना कि ऐसे पूछा जाए मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने ऐसे बोला कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों थोड़ी होता है। एक्सेप्टेंस, जब हमारे पिता ने एक्सेप्ट किया तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? और एक्सेप्टेंस मजबूरी नहीं है। हाँ यह अवश्य है कि लग रहा है कि हमें कोई अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे नहीं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम उसका विरोध ना करें। जहाँ पे हमारी क्षमता है वहाँ पे जरूर हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, पर जहाँ पे हमारी बस नहीं चल रही है वहाँ पे विधि का विधान मानकर एक्सेप्ट करना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे कम से कम शांति मिलेगी। उस मछली की तरह हम प्रयास करते जाएंगे तो और ही ज़्यादा संघर्ष और थक जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को दिल शिकस्त महसूस करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है प्रकृति अनियति के विधान को समझना। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें चीज़ों को सहना है, ऐसे ही सहना है अन्याय हो रहा है, वो तो बहुत बड़ा विधर्मी माना जाता है। ज्ञान के आधार पर भी देखा जाए अत्याचार को सहने वाला उसे भी बड़ा माना जाता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए दो छोटे बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, तो प्रकृति ने नियति ने मुझे रखा है, ऐसे नहीं कि हमें बस देखना है कुछ बोलना नहीं है, छुड़ाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन अगर मैं ही छोटा बच्चा हूँ और 10 बड़े लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मेरी क्षमता के बियॉन्ड है, और मैं सोचूं कि ऐसे क्यों लड़ रहे हैं और मैं खूब रेजिस्टेंस दिखाता हूं, तो मैं ही दुखी होऊंगा। अब बिकॉज ये मेरी क्षमता के बियॉन्ड है तो नीति ये कहती है हमें उस चीज़ों को एक्सेप्ट ही करना होगा। बात कोशिश की नहीं चल रही, कोशिश नहीं करनी चाहिए, पर मान लीजिए फुल एंड फाइनल है कि नाउ इट इज बियॉन्ड अवर लिमिट, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट थिंग रेदर देन स्ट्रगल। लेकिन जहाँ पे आवश्यक लगे अपनी जरूर एनर्जी लगानी चाहिए, वो नहीं कह रहे हैं युक्ति। तो एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस स्ट्रगल नहीं है। एक्सेप्टेंस के साथ धैर्यता अगर मिल जाए तो इसे हम सहनशीलता कहते हैं। यह है सच्ची सहनशीलता जो हमें मदद करेगी भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, योग साधना के मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए। ड्रामा का इतना पार्ट हमारी दादियों का और ब्रह्मा बाबा का पड़ता है, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि सहने की लिमिट क्या होती है, सहनशीलता का विषय चल रहा है, कितनी लिमिट होती है सहने की, क्या कहें? सहना दो तरीके से हो सकता है, एक होता है मजबूरी में सहना और दूसरा होता है प्यार से सहन करना। एक होता है मजबूरी और दूसरा प्यार। मजबूरी में हमेशा स्ट्रगल रहेगा, उसमें आत्मसंतोष की फीलिंग नहीं आएगी, और प्यार से सहना एक अलग ही बात होती है, सप्रेस करने की बात नहीं चल रही। एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, दुनिया में देखते हैं जीसस क्राइस्ट, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर भी उसके क्या शब्द थे, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि लोगों ने उसे थप्पड़ मारे, उसके ऊपर थूका भी, और उसे बताते हैं कि कांटे का मुकुट पहनाया गया। तो जब ऐसी धर्म आत्माएं जो है इसके बावजूद भी उनके मनोभाव चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उनकी ये सहनशीलता है। तो जब उनके अंदर इतनी सहनशीलता है तो हम बाबा के बच्चे तो धर्म आत्माओं से भी काफ़ी श्रेष्ठ पद बाबा ने हमें दिया है, हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, कितने सहनशीलता होने चाहिए। महावीर स्वामी जब नग्न थे, नग्न अवस्था में महावीर स्वामी कई गांव में भ्रमण करते थे, तो वहाँ के गांव के लोगों ने उन्हें पागल समझा, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े, उनको लोगों ने डंडे से और लातों और घूंसों की बरसात की। इसके बावजूद भी उनके मन के अंदर नफरत या घृणा का भाव नहीं चला, सहनशीलता, न बदले की भावना,
तो जब धर्म पिताओं में इतनी सहनशीलता हो सकती है तो हम बाबा के बच्चे क्यों नहीं कर सकते। और मोहब्बत में सहन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे मोहब्बत होती है, प्यार होता है, वहाँ पे सहनशीलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि प्यार में आदमी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और बाबा ने मुरलियों में कहा कि बच्चे अगर सहनशीलता में फीलिंग आती है मरने की, तो मरना नहीं, ये मरना ही महान बनना है। तो हम सोच हमें क्या करना है, सप्रेस करना है कि बाबा के प्यार में क्या हम उतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। और जहाँ मोहब्बत होता है, मोहब्बत में मेहनत तो होती नहीं। कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, विवेकानंद और उस बच्चे की कहानी, जो छोटी बच्ची अपने भाई को पीठ पे लेकर पहाड़ पे चढ़ रही थी, और विवेकानंद क्या पूछ रहे हैं उस बच्ची से कि बोझा क्यों रखा है, बोझे को नीचे रखो। वो क्या बोलती है कि बोझा नहीं, ये तो मेरा भाई है। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ पर मेहनत नहीं लगती है। प्यार के लिए क्या हम इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, क्या इतना हम सहनशील नहीं बन सकते अपने प्रियतम के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार सहनशीलता के बारे में सोचना है कि सहना प्यार से है कि मजबूरी से, ये हमारे ऊपर है। जब नॉर्मल संत महात्मा जब ऐसे कर सकते हैं, तो हमारा डेजिग्नेशन क्या है, तो भगवान के हमारे से सहनशीलता के विषय में कितनी अपेक्षाएं होंगी। हम में से कई ऐसे कह सकते हैं कि आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि प्यार में सहना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन क्या है भाई साहब, हमें ना बाबा से प्यार का अनुभव नहीं होता, ऐसे लगता है वन साइडेड लव है, तो क्या करें फिर, हमारे में सहनशीलता कैसे है। गुड क्वेश्चन, ऐसे भी कई पूछ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति के कुछ सिद्धांत होते हैं, इसमें एक होता है सत्यता का सिद्धांत, कि सत्य चीज़ कभी छिपती नहीं है, वो उजागर होकर ही रहती है। कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, सत्य हमेशा उजागर है, वो छिपती नहीं है। तो कल्पना कीजिए कि सिर्फ मैं वन साइडेड लव कर रहा हूँ, भगवान को मालूम ही नहीं है, मैं ही वन साइडेड लव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भगवान को मालूम ही नहीं, और ऐसे करते करते हमारा अंतिम समय आ जाए और फिर भी भगवान को मालूम नहीं, तो क्या कहेंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसा प्यार और बहुत अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा एक वन साइडेड लव हो रहा है, सामने वाले को मालूम नहीं है। लेकिन प्रकृति का सिद्धांत बड़ा प्रबल है, प्रकृति का सिद्धांत भगवान को भी बाध्य कर देगा। सत्यता का सिद्धांत में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी बाध्य कर देगा। और सोचिए क्या वो नज़ारा होगा कि भगवान को मालूम पड़े कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मुझे जीवन भर चाहता रहा और मैं उसको समझ नहीं पाया, या मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, और जिस दिन भगवान का ध्यान जाएगा और वो व्यक्ति मेरे प्यार में ही शहीद हो गया, तो जिस दिन उस व्यक्ति पर भगवान का ध्यान जाएगा, और जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सत्यता का सिद्धांत से हम बच नहीं सकते, वो हर के लिए सर्वमान्य है, तो भगवान की नज़रों में मेरी प्यार की कदर क्या होगी, ऐसा प्यार की श्रेष्ठता क्या होगी, ऐसे प्यार की पराकाष्ठा क्या होगी। तो हम प्यार करते चले, अगर लग रहा है कि नहीं वन साइडेड लव, वन साइडेड अनुभव हो रहा है, तभी भी कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, विकर्मों का बोझ इतना ज़्यादा है कि भगवान प्यार तो देते हैं लेकिन हमें फील नहीं हो पाता है, तो निराश होकर छोड़ नहीं देना है। अगर लग रहा है अंत तक ऐसे चलने वाला, कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी, क्योंकि मुझे सत्यता के सिद्धांत पर भरोसा है कि वह भगवान को भी बातें कर सकता है। तो अगर जो कहते हैं कि वन साइडेड लव है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव है तो सहनशीलता बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान मार्ग। सामने हम चित्र में दिखाया गया है, सामने हम देख रहे हैं चित्र में लाइफ बिटवीन लाइफ। हिप्नोसिस और अन्य माध्यमों से माना गया है और पाया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो व्यक्ति क्या करता है कि उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है, और सब के सब वही वर्णन करते हैं। ऐसे लोग जिनका ब्रह्मा कुमारी से कोई कनेक्शन नहीं है, सब बताते हैं कि प्रकाश था, बड़ी शांति थी, शरीर में आने का मन नहीं हो रहा था, और क्योंकि आत्मिक स्वरूप में है तो आत्मा को बहुत रियलाइज होता है, और दूसरी तरफ भगवान से प्यार भी मिलता है। तो हम स्वयं ही चूज करते हैं कि आत्मा महसूस करने लगती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सास बहू के केस में सास महसूस करती है कि नहीं, मैंने बहू के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, रियलाइज होता ही होता है, और खुद वो सास ही डिसाइड करती है कि भगवान मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी बहू बनूँ और मेरे पे वही इतना अत्याचार करे, तब मेरा हिसाब किताब बराबर है। हम खुद चूज करते हैं, भगवान ने हमें परिस्थिति में नहीं डाला है, दिस इज आवर चॉइस। तो नियति का कारण हम भगवान को कोस नहीं सकते हैं, ये हमारी चॉइस थी लाइफ बिटवीन लाइफ में, दिस इज माई चॉइस। और अगर वो हिसाब किताब चुप्त हो रहा है तो उसमें घबराने की बात नहीं, बिकॉज इट वॉज माई चॉइस,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। आगे और हम चित्र में देख रहे हैं, समुद्र मंथन का दृश्य है जिसमें महादेव क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, विष। कहते हैं कि समुद्र मंथन से विष निकला तो सारे विष को महादेव पी गए। किसका यादगार है? अगर महादेव, कई लोग महादेव को ही शिव समझते हैं भक्ति मार्ग में, अगर महादेव उस विष को पी सकते हैं तो क्या हम बच्चों में इतना असामर्थ्य नहीं कि जो एम्बेरसिंग सिचुएशन हमें जो फील हो रही है उसके विष को हम पी जाए और हंसते हंसते, ना कि संघर्ष, आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन को अंदर लिए, ये होगी सच्ची सहज। दूसरा लास्ट प्रसंग दिया जा रहा है जिसके साथ सत्र की हम समाप्ति करेंगे, वो महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के प्रसंग में बताया गया है आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन क्या हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन हो सकती है मृत्यु की दशा, लेकिन एक नारी के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन क्या हो सकती है? एक नारी के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन हो सकती है उसकी लाज। और महाभारत में द्रौपदी वो एक पात्र है जिसके सामने सिचुएशन आई। द्रौपदी का बताते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, ये बात अलग है कि ये घटना घटी कि नहीं घटी, या मेटाफोरिकल है, अलंकारिक है। तो बताया जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि द्रौपदी के साथ ये इमोशन, एक इमोशनल घटना घटी, चीरहरण का दृश्य, द्रौपदी ने उस इमोशन को सप्रेस कर लिया, सप्रेस करके रखी थी क्योंकि उसकी रिजिड बिलीफ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग थी, तो उसने उसको सप्रेस करके रखा। तो इस वीडियो में कृष्ण क्या समाधान या सोल्यूशन देते हैं उस सप्रेशन का, कैसे उसको रैशनलाइज करते हैं, किस प्रकार की थिंकिंग करनी चाहिए, वो भी दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो। क्यों गोविंद, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अपमान, क्या पाप किया था मैंने गोविंद? किन कर्मों का फल भोग रही हूं? जो भी हुआ सके कौरवों के पुराने कर्मों का फल था जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सके, अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। और बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नर्क बन जाता है सके। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभाव दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। तुम यदि अपने मन को दुख और बैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती? बैर का त्याग कर दो सखी, मन को निर्मल कर लो। नदी में जो मैल जाता है नदी उसे समुद्र में उड़ेल देती है, स्वयं स्वच्छ हो जाती। तुम भी अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल दो। परमात्मा तो सारे संसार की पीड़ाओं को अपने भीतर समा लेने के लिए सदा ही सज। अर्थात गुरु सभा को क्षमा कर दूं? हाँ सखी, क्षमा कर दो।
अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म है, न्याय सत्कर्म। भेद क्या हुआ गोविंद? आर्यवर्त की चक्रवर्तिन साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, जगत की सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति करेंगे? विचार करो सखी। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो। एक बात समझ लो सखी, जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वो बलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म। हाँ सखी, मैं तुमसे कहता, सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा कर दो, वही उसकी विनाश की ओर प्रथम चरण होगा। और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के। इस प्रकार हमने द्रौपदी के केस में देखा कि क्षमा करने से सबसे पहले शांति मुझे प्राप्त होती है। और क्या हम परमात्मा प्यार के लिए क्षमा नहीं कर सकते? क्या ये कुर्बानी हम नहीं दे सकते? सोचने का विषय है। एक तरफ कहते हैं कि भगवान के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम क्षमा नहीं कर सकते? और दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि कैसे उस थॉट्स को रैशनलाइज किया जा रहा है। वीडियो में रैशनलाइज ऐसे किया जा रहा है कि अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बनाया जा रहा है, कि कौरवों ने ऐसा किया जब किसी एक नारी का जब ये इस प्रकार से अपमान किया तो और अन्य नारियों के साथ क्या करेंगे? तो केवल अपना ना सोचकर वैश्विक कल्याण की भावना जागृत करना, इस प्रकार थॉट्स को रैशनलाइज किया जा रहा था, युक्ति युक्त किया जा रहा था, वो हमने वीडियोस में देखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी हमारे साथ सेपरेशन की फीलिंग हावी होती है तो सबसे पहली बात हम साक्षी हो जाएं और थॉट्स और इमोशन को चेक करें कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, मेरी फीलिंग या इमोशन क्या है, उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे हर्ट हुआ, नो प्रॉब्लम। और इस स्टोरी को क्लोज करना बहुत जरूरी है, रैशनलाइज करना जरूरी है। हम क्लोज नहीं करते हैं, डिले करते हैं, जिससे सिचुएशन और खराब होती है। तो उसको डायरी में विचारों को लिखने से स्पष्टता आती है क्या चीजें हुई हैं, या अपने आप से बात करना जिसमें हम उस थॉट्स को युक्त युक्त कर सके, रैशनलाइज कर सके। तो ये होमवर्क दिया जा रहा है अगले सीरीज के लिए, आप हमें होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क क्या है? थॉट्स और इमोशन के अंतर को समझना। पूरे दिनचर्या में हम चेक करेंगे क्या मेरे थॉट्स चल रहे हैं और क्या मेरे इमोशन हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सास बहू के केस में बार बार थॉट्स, क्या इमोशन क्या आ रहा है? हर्ट, हेल्पलेसनेस। थॉट्स क्या चल रहा है? क्या सासू माँ की निंदा के थॉट्स चल रहे हैं, क्रिटिसिज्म के थॉट्स चल रहे हैं कि वो तो है ही ऐसी, वो तो समझती नहीं मुझे,
उनको तो किसी की कदर ही नहीं है, ये हुए थॉट्स। लेकिन इमोशन क्या है? हार्ट की फीलिंग, हेल्पलेसनेस की फीलिंग। तो ये थॉट्स और इमोशन का अंतर हमें समझना बहुत ही जरूरी है, और ये केवल नेगेटिव बातों के लिए नहीं, पॉजिटिव बातों के लिए भी चिंतन करेंगे। जैसे अगले दिन ही बहू को जो है कॉल आता है, उसकी माँ कॉल करती है, बर्थडे रहता है, जन्मदिन विश करती है। जैसे ही जन्मदिन विश करती है तो इमोशन क्या एक्सपीरियंस होंगे, कौन से भाव जागेंगे? खुशी के भाव। और थॉट्स क्या चल रहे हैं? मेरी माँ कितना मेरा ख्याल रखती है, इसको मेरा जन्मदिन भी याद है। तो ये हुए थॉट्स, तो मुझे कितनी समझती है, ये हुए थॉट्स। इमोशन क्या है? खुशी के इमोशन। तो पूरे दिन में साक्षी होकर थॉट्स और इमोशन के अंतर को नोट करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन के। क्योंकि अक्सर क्या करके क्या होता है, जब ये घटनाएं घटित होती हैं, सिचुएशन जब आती है, तो उस समय इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हम थॉट और इमोशन का अंतर समझ ही नहीं पाते, तो साक्षी भी नहीं हो पाते। तो साक्षी होकर थॉट्स और इमोशन को चेक करना कि थॉट्स क्या क्या चल रहे हैं, इमोशन क्या अनुभव हो रहा है, ये अंतर आने वाले सीरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा होमवर्क है पूरे दिन में चेक करना। और कईयों के लिए बस ये टिप्स भी है कि अगर लग रहा है कि सब कुछ रैशनलाइज हो गया है, हमने युक्ति संग तरीके से लिख दिया है, तो जिस समय घटना घटित हो रही है तो सामने वाले को समझाने का प्रयास ना करें। सामने वाला जब भी इमोशनल स्टेट में होता है, उस समय हम क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको लॉजिक या तर्क देके समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मनोविज्ञान का भी सिद्धांत है कि जब भी व्यक्ति इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में होता है तो उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, उसमें कुछ भी अच्छी बातें डालेंगे वो बाउंस बैक ही होने वाला है। और हम अपना प्रयास छोड़ते नहीं और भी समझाने का प्रयास करते हैं, सिचुएशन बिगड़ते जाती है। तो जब एक या दो दिन के बाद उस व्यक्ति का मूड ठीक हो जाए, तब समझाने का युक्तियुक्त तरीके से व्यवहार कला को यूज करते हुए उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है, जिसमें गारंटी नहीं है कि व्यक्ति समझ ही जाएगा। एक प्रयास किया जा सकता है कि चलो मैंने अपना प्रयास किया फिर भी नहीं समझ रहा, यस आई एम एक्सेप्टिंग इट, मेरे में इतना गट्स है, ये छोटी सी परिस्थिति क्या चीज है, मैंने परमात्मा को अपना जीवन दिया है, क्या उसके लिए भी इतनी बड़ी विशाल हृदय नहीं रख सकते। तो ये थी कुछ युक्तियां और ये होमवर्क हम करेंगे, और इसकी और भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम अगले सत्र में जानने वाले हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन के कारण सेपरेशन नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन तो हर व्यक्ति रखता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन एक मान्यता या बिलीफ के ऊपर आधारित रहती है, जिसका हम और भी विस्तार आने वाले सत्रों या सीरीज में करने वाले हैं। ओम शांति।